तो बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2023 से संबंधित एक न्यूज है। न्यूज क्या है, बीपीएससी प्रमुख का बयान वायरल हो रहा है। बयान क्या वायरल हो रहा है कि आप बारात लेके तो जा रहे हैं लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि दुल्हन लेके ही आएंगे, बीपीएससी टीआरई बीएड। फिलहाल ये जो बयान है ये बीपीएससी प्रमुख द्वारा नहीं दिया गया है, लेकिन बीपीएससी प्रमुख को ये बयान जरूर दिया जा रहा है। तो बीपीएससी प्रमुख क्या कह रहे हैं और बीपीएससी प्रमुख को लोग क्या कह रहे हैं, चलिए आइए जानते हैं, क्योंकि उनके बयान पे अभ्यर्थियों ने क्या क्या कह दिया बात, सब कुछ आपको वीडियो में डिटेल बताएंगे किस बात से बात उठी है और सोशल मीडिया पे इस बात पे काफी वायरल हो रहा है उनका बयान। तो चलिए आप उनका बयान सुनाते हैं। ये कुछ देर पहले ही उन्होंने बताया कि नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा एग्जाम में। साथ ही उन्होंने ये बात कह दिया कि एग्जाम लेते समय हम पात्रता की जाँच नहीं करते हैं, मतलब एग्जाम ले रहे हैं कि अभ्यर्थी की पात्रता की जांच हम ये इस बात का नहीं करेंगे कि अभ्यर्थी योग्य है कि नहीं, एग्जाम में बैठने लायक है कि नहीं। ये कहने का उनका मतलब है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त हम उनकी योग्यता की जांच करते हैं। अब इसी बात को अभ्यर्थी कुछ ज़्यादा अभ्यर्थी निगेटिव वे में ले रहे हैं। अब आगे चल करके ये बात कितनी निगेटिविटी लाएगी, लेकिन फिलहाल करंट टाइम में इसी बात से लेकर के निगेटिव बात निकाल ली गई है और अभ्यर्थी लगातार उन्हें क्या जवाब दे रहे हैं इसी बात को लेकर के चलिए आपको दिखाते हैं। अभ्यर्थियों ने उनके विपक्ष में क्या जवाब दिया है कि आप बारात लेके तो जा रहे हैं लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि दुल्हन लेके ही आएंगे, ठीक है। तो ये अभ्यर्थी जो है बीपीएससी प्रमुख को जवाब दे रहे हैं कि आप तो एग्ज़ाम देने जा रहे हो यानी कि बारात लेके जा रहे हो लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है दुल्हन लेके ही आओ, मतलब कि आपको जॉब मिली जाए या आपको रिजल्ट आपके पक्ष में आए, यानी कि बीएड वालों के लिए स्पेशली बात हो रही है। बीएड वाले इसमें बाराती जो है इस बयान में नज़र आ रहे हैं। तो आपको बता दें कि बीएड योग्यताधारी बीपीएससी टीआरई परीक्षा के लिए योग्य है कि नहीं, इस बात को कहना बीपीएससी प्रमुख को थोड़ा सा भारी पड़ गया और उन्होंने ये बात कहा कि योग्य है कि नहीं एनसीटी गाइडलाइन से तय होगा। मतलब उन्होंने एनसीटी गाइडलाइन का नाम तो नहीं लिया लेकिन साफ कह दिया कि एग्ज़ाम के लिए योग्य है या नहीं ये तो बाद में तय करेंगे क्योंकि हम एग्ज़ाम लेते समय तय नहीं करते। तो इसमें उन्होंने कुछ नया नहीं बोला। अगर आगे चल के इस बात से कोई निगेटिव बात ना निकले तो कोई नया नहीं बोला, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम होता है तो पात्रता की जांच शुरू में नहीं करता है, क्योंकि आपको पता होगा इसीलिए डीवी बनाया गया है एक सेक्शन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। इसमें आपके जितने भी सर्टिफिकेट होते हैं उनकी पात्रता की जाँच की जाती है कि आप उस सर्टिफिकेट के योग्य हैं नहीं और सर्टिफिकेट आपका उस वैकेंसी के योग्य है कि नहीं। बात करते हैं आगे क्या हो सकता है, तो आगे कुछ हमारे अनुसार अभी तक नहीं होना है। फिलहाल कोई हार्ड एंड फास्ट डिसीजन अगर बीपीएससी की तरह ना लिया जाए तो अभी फिलहाल उनके नोटिफिकेशन में डीएलएड और बीएड दोनों को मौका दिया गया है, तो डीवी में भी वो लोग दोनों लोगों को मौका देंगे ज़्यादा जहाँ तक हमें समझ है इस बात की। फिलहाल आगे अभी आने वाला समय ही बताएगा आगे वो लोग क्या करने वाले हैं। तो आप अभी जान गए होंगे कि अभ्यर्थी क्यों इस बात को कहें, क्योंकि उन्होंने ये बात जो कह दिया था कि अभ्यर्थी की पात्रता की जांच हम नहीं करते डीवी के टाइम में हम करेंगे, ठीक है। इसी बात को लेकर के अभ्यर्थी जो है अपनी अपनी तरह से बातों को लिख रहे हैं और अपनी अपनी तरह से इसको वायरल कर रहे हैं। तो फिलहाल क्या था पूरा माजरा आप शायद जान गए होंगे, आपकी क्या राय है इस बात पर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अभी बस इतना ही, धन्यवाद।